हम संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के विषय में वर्तमान में बात कर रहे थे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। इसके हमने लेटेस्ट अमेंडमेंट तक को डिस्कस किया। हमने जाना कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ। रिसेंट अमेंडमेंट जो सबसे नया अमेंडमेंट है, ये 2019 में आया। कमीशन के कार्य कर्तव्यों के विषय में जाना, ऑब्जेक्टिव्स जाने, कंपोजिशन जाना किस तरीके से कमीशन में तमाम जो सदस्य हैं रहते हैं, कहाँ से उनको चुना जाता है, मेंबर्स के बारे में जाना, एक्स ऑफिसो मेंबर्स के बारे में जाना, रिकमेंडिंग कमेटीज़ की जो इसका गठन करते हैं उस कमेटी के विषय में जाना। हमने जाना कि कब तक ये अपने ऑफिस में रहते हैं, इनकी क्या सर्विस कंडीशन है, यह जाना। रिमूवल किस तरीके से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स का होता है, इसके विषय में जाना। सैलरीज के बारे में जाना, फंक्शंस के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त की, और वर्किंग ऑफ द कमीशन भी देखा। फिर हमने देखा कि रोल क्या है कमीशन का, एनुअल रिपोर्ट के बारे में जाना, और अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंसेस ऑफ द कमीशन कि कमीशन अपनी ड्यूटी कहाँ कहाँ परफॉर्म करते हैं, कहाँ कहाँ ये निगरानी रखते हैं। द वेरियस ह्यूमन राइट इशूज़ टेकन अप बाय द कमीशन एरियाज फॉलोज। कहाँ ये अपनी जो ह्यूमन राइट इशूज़ हैं उनका ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एबॉलिशन ऑफ बॉन्डेज लेबर, किसी भी तरीके से इनका उद्देश्य है कि बॉन्डेज लेबर को अबॉलिश किया जाए। फंक्शनिंग ऑफ द मेंटल हॉस्पिटल एट रांची, आगरा एंड ग्वालियर। मेंटल हॉस्पिटल जो कि रांची, आगरा और ग्वालियर में स्थापित है, वह अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, या वहाँ जो भी मानसिक रूप से विक्षिप्त मरीज जा रहे हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है अथवा नहीं। मतलब मुख्य रूप से हम इस तमाम डिस्कशन में यह जानेंगे कि क्या क्या मानव अधिकारों के दायरे में आता है। इश्यूज कंसर्न राइट टू फूड, खाने के अधिकार से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनके विषय में भी ह्यूमन राइट कमीशन ध्यान देता है। रिव्यू ऑफ द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट कब लाया गया, 1929 में लाया गया, और यह समय समय पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के माध्यम से इसको रिव्यू किया जाता है। प्रोटोकॉल्स टू द कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जितने भी बच्चों के अधिकारों से संबंधित कन्वेंशन से प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके विषय में भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ध्यान देता है। प्रिवेंटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स, अमेंडमेंट्स ऑफ सर्विस रूल्स। तो जितना भी बच्चों को एज अ एम्प्लॉयमेंट किसी भी तरीके से घर के नौकर के रूप में रखना या किसी दूसरे काम पर रखना, यह बैन है। इसके विषय में भी भले वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के माध्यम से किया जाए, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्विस रूल के तहत इसको देखते हैं ह्यूमन राइट कमीशन। एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर जिस तरीके से जुर्म है उसी तरीके से बाल श्रम भी एक तरीके का जुर्म है। गाइडबुक फॉर द मीडिया ऑन सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, मतलब ये मीडिया को यह गाइडेंस देते हैं, यह बताते हैं कि सेक्सुअल वायलेंस जो कि बच्चों के विरुद्ध हुआ है उसमें किस तरीके से आपको न्यूज़ छापनी है, किन चीज़ों को उजागर करना है अथवा किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वह सामने ना आए। ट्रैफिकिंग इन द वुमेन एंड चिल्ड्रन, मैनुअल फॉर द जुडिशियरी फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन, जो महिला या बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, जो अंगों की तस्करी या शरीर की तस्करी होती है, वह भी उसके लिए भी यह जिम्मेवार होते हैं और जानकारी रखते हैं। सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन ऑफ सेक्स टूरिज्म एंड ट्रैफिकिंग, जितने भी सेक्स टूरिज्म से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि बार हो गए, किसी तरीके का कोई जो प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े हुए कोई धंधे हो गए या रेप पार्टीज हो गई, इन सब के विषय में भी ये काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। और इन सबको क्योंकि इंडिया में बैन किया गया है बहुत सारी चीज़ों को जो सेक्स टूरिज्म से रिलेटेड हैं या फिर ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हैं, तो इसके विषय में भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन संज्ञान लेता है। मैटरनल एनीमिया एंड ह्यूमन राइट्स, जो भी एनीमिया से संबंधित समस्याएं हैं महिलाओं की, उनसे उनके विषय में भी ये अपना ध्यान रखते हैं। रिहेबलाइजेशन ऑफ डेस्टिट्यूट वुमेंस इन वृंदावन, वृंदावन में जो महिलाएं डेस्टिट्यूट वुमेंस हैं उनके रिहेबलाइजेशन के विषय में ये ध्यान रखते हैं। कम्बैटिंग सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, कई बार आपके कार्य क्षेत्र पर महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की परेशानियाँ या शिकायतें आती हैं,
तो जैसल ह्यूमन राइट कमीशन इस बात पर भी अपनी परफॉर्मेंस का ध्यान देता है। हरासमेंट ऑफ वुमेन पैसेंजर्स इन ट्रेन्स, ट्रेन्स बसेज वगैरह में वुमेन पैसेंजर्स के साथ कई बार कुछ लोग हरासमेंट करते हैं, भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठाते हैं, तो इस विषय में भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपने निर्देश जारी करता है और नज़र रखता है। आगे देखते हैं, एवोल्यूशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो हाथ से मैला उठाने की प्रथा है, आप देखते हैं कि पहले जो लेटपाथ हैं इस तरीके से नहीं होते थे और हाथ से उनकी साफ़ सफाई की जाती थी, तो इसको भी मतलब जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग को भी बैन किया गया है और इसका ये ध्यान रखते हैं। डिजिटल इशूज़ इंक्लूडिंग एट्रोसिटीज़, डिलाइट सूट इंक्लूडिंग एट्रोसिटीज़ प्रिपेयर्ड ऑन दैम, किसी तरीके की कोई भी एट्रोसिटी, कोई भी अपराध इनके खिलाफ होता है मैनुअल स्कैवेंजर्स के खिलाफ, तो उसके बारे में भी ये ध्यान रखते हैं और संज्ञान में लेते हैं। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डीनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स, ऐसी जो घुमंतू ट्राइब्स हैं, जो घुमंतू जनजातियां हैं या डीनोटिफाइड जनजातियां हैं जिनको नोटिफाई नहीं किया गया है, उनके द्वारा जो परेशानियाँ झेली जाती हैं उसके विषय में ये विशेष ध्यान रखते हैं। राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन्स, जो अक्षम लोग हैं, जो शारीरिक रूप से किसी प्रकार से सक्षम नहीं हैं, दिव्यांग जिनको हम कहते हैं आज के लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी में, उसके विषय में भी, उनके विषय में भी ये ध्यान रखते हैं। इशूज़ रिलेटेड टू राइट्स ऑफ हेल्थ, जो स्वास्थ्य का अधिकार है उसका भी ये विशेष ध्यान रखते हैं। राइट्स ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड बाय HIV एंड एड्स, कई बार ऐसी जघन्य बीमारियों से जो लोग शिकार होते हैं उनको बहुत सारी अपमान का या फिर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, तो उस विषय में भी ये काफ़ी ध्यान रखते हैं। रिलीफ वॉकिंग फॉर द विक्टिम्स ऑफ 1999 ओडिशा साइक्लोन, 1999 में, या फिर से एक जीके का इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि 1999 में उड़ीसा में साइक्लोन आया था जिसमें काफ़ी लोग परेशान हुए और वो विक्टिम्स जो हैं उस साइक्लोन के, उनके लिए जो रिलीफ वर्क किए जा रहे हैं उसका भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ध्यान रखता है। मॉनिटरिंग ऑफ रिलीफ मेजर्स अंडरटेकन आफ्टर गुजरात अर्थक्वेक, गुजरात अर्थक्वेक हुआ 2001 में, तो उससे संबंधित भी मॉनिटरिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन करता है। डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कंप्लेन अथॉरिटीज़ हैं, जो कंप्लेन लेती हैं और उसका समाधान ढूंढती हैं, उसके विषय में भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपनी आँखें जमा कर रखता है। पॉपुलेशन पॉलिसी डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, जो भी पॉलिसीज पॉपुलेशन जनसंख्या को ध्यान में रखकर लाई जाती हैं और जो कि मानव अधिकारों को ध्यान में रख के पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उनके विषय में भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विशेष ध्यान रखता है। रिव्यू ऑफ स्टैट्यूज इंक्लूडिंग टेररिस्ट एंड डिस्टरप्ट एक्टिविटीज़ एक्ट एंड ड्राफ्ट प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2000, जितने भी इस तरीके के एक्ट हैं जो टेररिज्म से संबंधित हैं या कि जो ड्राफ्ट प्रोविजंस हैं टेररिज्म एक्ट बिल 2000 का, इसमें भी जो भी प्रावधान किए गए हैं उनमें भी मानव अधिकारों को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। जैसे कि अभी मुंबई हमले के आरोपी कशाब को जेल में रखा जाता था, लेकिन उसका काफ़ी ध्यान रखा जाता था उस हिसाब से, मानव अधिकारों के हिसाब से, बाकी उससे जो भी जानकारी लेनी थी उसका तरीका जो भी रहा हो, लेकिन भारत में क्योंकि भारत एक सोशल वेलफेयर का ध्यान में रखने वाला देश है, तो टेररिज्म एक्टिविटीज़ का भी ध्यान में रखिए, चाहे वो विक्टिम हो और चाहे जो भी, तो उनके विषय में भी ये काफ़ी ध्यान रखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन एरियाज ऑफ इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म, जितने भी इंसर्जेंट एरियाज हैं या जितने भी टेररिज्म से अफेक्टेड एरियाज हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो और चाहे इंटरनल टेररिज्म जैसे छत्तीसगढ़ में माओवाद हो, इन सभी क्षेत्रों में नक्सली हों, माफ़ करिए, तो इन सभी क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के नक्सल एरियाज में और जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में, ये लोगों की राइट्स का, जो एरिया में जो पॉपुलेशन है उनके राइट्स का काफ़ी ध्यान रखते हैं। गाइडलाइंस टू चेक मिसयूज ऑफ द पावर ऑफ एट्रोसिटीज़ बाय पुलिस, अरेस्ट बाय पुलिस, कई बार पुलिस अपने अरेस्ट करने की पावर का मिसयूज़ भी कर जाती है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये गाइडलाइंस इशू करता है कि पुलिस को किस तरीके के बिहेवियर्स तो करना है। सेटिंग अप ऑफ ह्यूमन राइट सेल्स इन स्टेट्स, सिटी पुलिस हेडक्वार्टर, मानव अधिकार सेल, मानव अधिकार का एक विशेष केंद्र यह स्थापित करते हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सिटी या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जिससे लोगों को घर बैठे मानव अधिकार से संबंधित जानकारियाँ और उनके मानव अधिकार के संरक्षण का ध्यान रखा जा सके। स्टेप्स टू चेक कस्टोडियल डेथ रेप एंड टॉर्चर, कई बार क्या होता है कि पुलिस कस्टडी में कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ टॉर्चर या रेप जैसे केसेस भी अक्सर आ जाते हैं, तो इन सभी का भी ये विशेष ध्यान रखते हैं और अपनी जानकारी में लेते हैं। फिर हम बात करते हैं कि एसेशन टू द कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, एडिशनल प्रोटोकॉल टू द जेनेवा कन्वेंशन, जो
जेनेवा कन्वेंशन हुआ है जो टॉर्चर से संबंधित है, और इसके विषय में जो भी प्रोटोकॉल का निर्माण किया गया है उन सभी का प्रॉपर कार्यान्वयन और इम्प्लीमेंटेशन का ये विशेष ध्यान रखते हैं। डिस्कशंस ऑन अडॉप्टिंग ऑफ अ रिफ्यूजी लॉ फॉर द कंट्री, जो रिफ्यूजी जो शरणार्थियों के लिए विशेष लॉ विशेष कानून बनाए गए हैं उनके विषय में ये डिस्कशन करते हैं और अपनी सलाह देते हैं, साथ ही उसका रिव्यू करते हैं। सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स ऑफ पुलिस प्रिजनर्स एंड अदर सेंटर्स ऑफ डिटेंशन, जितने भी पुलिस जैसे कि लोगों को अरेस्ट करके थानों में रखती है, प्रिजन्स जहाँ पे लोगों को रखा जाता है, या फिर जो भी अन्य सेंटर्स डिटेंशन के मतलब लोगों को रोक कर रखने के, उन सभी के सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन काम करता है। रिव्यूज़ ऑफ लॉ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटीज़ एंड द इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑन ह्यूमन राइट्स, जितने भी लॉज या ट्रीटीज़ जो हैं ह्यूमन राइट्स के लिए बनाई गई हैं और इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, उन सभी का भी ये ह्यूमन राइट कमीशन ध्यान रखते हैं। प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट लिटरेसी एंड अवेयरनेस इन द एजुकेशन सिस्टम, मतलब एजुकेशन सिस्टम में शिक्षण व्यवस्था में, शिक्षण व्यवस्था में भारत की ह्यूमन राइट्स का लिटरेसी का और अवेयरनेस जो भी है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, इसको प्रमोट करना, इसका विस्तार करना, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, अवेयर करना, ये सभी भी ह्यूमन राइट कमीशन का काम है। अवेयरनेस जो है ह्यूमन राइट्स मतलब मानवाधिकार, लिटरेसी मतलब साक्षरता। चलिए, ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग फॉर ऑल द आर्म फोर्सेज एंड पुलिस पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड सिविल सोसाइटी, जितने भी सिविल वर्कर्स हैं चाहे वो आर्म फोर्सेज हों, पुलिस हो, पब्लिक अथॉरिटीज़ हों या सिविल सोसाइटीज़ हों, इनको ह्यूमन राइट ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको समाज में किस तरीके का बर्ताव करना है और लोगों को किस तरीके से डील करना है। एक्शन रिसर्च ऑन ट्रैफिकिंग, फिर से एक बार बात कर लें कि ट्रैफिकिंग के ऊपर एक्शन रिसर्च ये करते हैं। ट्रैफिक हमने जाना कि तस्करी, किसी भी प्रकार की तस्करी हो। रिसर्च थ्रो वेल नोन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड NGOs ऑन वेरियस इशूज रिलेटिंग टू द ह्यूमन राइट्स, जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या NGOs जो ह्यूमन राइट के ऊपर काम करते हैं उनकी रिसर्च को भी ये रेगुलेट करते हैं और उस पर भी अपनी एक आंख जमा कर रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन विथ NGOs एंड एक्सपर्ट्स स्पेशलिस्ट ऑन ह्यूमन राइट इशूज, कई बार ये ह्यूमन राइट्स की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कुछ NGOs और एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट के साथ कुछ ह्यूमन राइट इशूज को सॉल्व करने के लिए एक अलग से कमेटी कह सकते हैं या डिस्कशन कह सकते हैं। तो यह था कि क्या क्या परफॉर्मेंसेज हैं, कहाँ कहाँ जो ह्यूमन राइट कमीशन है वह अपनी भूमिका निभाता है, किन किन मुद्दों को पर ये प्रकाश डाल के रखता है और अपने सलाह और गाइडेंस में समस्याओं का समाधान करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड वी हैव कम्प्लीटेड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन, हमने हर कोने को कवर कर लिया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको यह जानकर आपके नॉलेज में वृद्धि हुई होगी कि ह्यूमन राइट कमीशन कहाँ कहाँ अपने प्रोसीडिंग्स को, अपने दायित्वों को निभाता है। सो यह आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक और मैं मोहित चौबे आपके साथ ये लेक्चर लेकर आया हूँ। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे नॉलेज ब्रूक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसकी लिंक, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि आपके पास ऐसी ही बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण हैं समय समय पर पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।